हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना, एक टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि मेंटेनेंस क्या है, अर्थात मेंटेनेंस का डेफिनेशन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, यानी कि व्हाट इज मेंटेनेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी व्यक्ति के लिए जो किसी न किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, चाहे उनका क्वालिफिकेशन ITI है, BTech है या पॉलिटेक्निक है, या किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग किए हुए हैं या अभी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों हम विभिन्न प्रकार के टेक्निकल वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों, अब हम लोग करते हैं वीडियो का शुरुआत और सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों, मेंटेनेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो होता है रख रखाव, यानी कि आपके फैक्ट्री में जो भी मशीनें हैं, एसेट्स है या यूटिलिटी है, उसको प्रॉपर ढंग से टाइम टू टाइम देख रेख और उसको रिपेयर करके हमेशा ऑपरेशन के लिए रेडी रखना ही मेंटेनेंस है। दोस्तों, हम लोग समझते हैं मेंटेनेंस का प्रकार। तो दोस्तों, फर्स्ट मेंटेनेंस जो होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, ब्रेक डाउन यानी कि बंद, ब्रेक मतलब बंद, यानी कि अगर आपका मशीन चलते चलते प्रोडक्शन टाइम पे ही अगर बंद हो जाए, उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए और उस समय आपको प्रोडक्शन को बंद करके मशीन को रिपेयर करने की अगर आवश्यकता पड़े और उस समय आप अगर मशीन का मेंटेनेंस करते हैं तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत काउंट करते हैं। दोस्तों, ये मेंटेनेंस जो होता है ना, बहुत कॉस्टली होता है और जो कि कंपनी को बहुत नुकसान भी देता है। ये कॉस्टली इसलिए होता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर आप मशीन का रिपेयर करने लगे और उस समय आपको पता चले कि कोई ऐसा पार्ट्स खराब हो गया जो आपके पास स्पेयर में नहीं है और उसको आपको कहीं दूर से मंगाना हो, तो वहां आपका कुरियर चार्जेज भी ज्यादा लग सकता है, हो सकता है आपको वाई फ्लाइट मंगाना पड़े। और कंपनी के लिए दोस्तों ये इसलिए नुकसान होता है कि अगर आप प्रोडक्शन को ब्रेक करके मशीन का रिपेयर करेंगे ना, तो कंपनी का वो पूरा पूरा टाइम जो है ना बर्बाद हो जाता है, क्योंकि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टाइम ही सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो टाइम बीत गया उस टाइम को फिर से नहीं हम लोग कवर कर सकते हैं। अगर आपका छोटा दुकान है तो उसमें मान लीजिए एक दिन अगर दुकान बंद है तो दूसरा दिन आप ज्यादा सामान बेच के उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें जो टाइम खत्म हो गया वो टाइम आपको फिर से दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए ये ब्रेक डाउन जो मेंटेनेंस है ना, कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो मेंटेनेंस है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं मेंटेनेंस के अंतर्गत किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को भी दो तरीका से, दो भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट होता है आपका प्रीडिक मेंटेनेंस और दूसरा होता है दोस्तों प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। अब समझते हैं हम लोग पीरियडिक मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों, पीरियडिक मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि आपके मशीन में कुछ ऐसा मेंटेनेंस होता है जो एक टाइम के बाद उसको करना ही है। जैसे मान लीजिए आपके मशीन में कोई फिल्टर है, चाहे वो ऑयल फिल्टर हो या एयर फिल्टर हो, और उसको अगर आप एक फिक्स टाइम के बाद उसको निकालते हैं, देखभाल उसका करते हैं, उसको चेक करते हैं, गंदा है तो क्लीन करते हैं और जरूरत है चेंज करने का तो उसको चेंज कर देते हैं, तो इससे आप बहुत सारे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस से बच सकते हैं। वैसा ही अगर कोई मूवेबल पार्ट्स है, उसको टाइम टू टाइम अगर ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो उससे भी आप जो है बहुत सारे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस से बच सकते हैं। दोस्तों, इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम किसी कंपनी का गाड़ी खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे बाइक खरीदते हैं या ऑटो खरीदते हैं या कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी लेते हैं,
तो उसमें एक मेंटेनेंस का चेकलिस्ट आपको मिलता है। उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि आपको इतना किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का मोबिल जो है चेंज करना है, या इतना किलोमीटर के बाद आपको फर्स्ट सर्विस कराना है। और उसमें ये भी मेंटेन रहता है कि फर्स्ट सर्विस में आपको किस किस पार्ट्स को चेक करना है, यानी कि इतना टाइम के बाद किस किस पार्ट्स को आपको चेक करने की आवश्यकता पड़ता है, और ऐसे सारे मेंटेनेंस को हम लोग टाइम टू टाइम फॉलो करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग पीरियडिक मेंटेनेंस को जो है समझ चुके होंगे। अब आते हैं दूसरा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का हिंदी होता है दोस्तों अनुमानित रखरखाव। यानी कि अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्शन चल रहा है, आपका मशीन चल रहा है, और उसमें कोई एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे तो मशीन में साउंड होता है, वो एक नॉर्मल होता है, जो हम लोग डेली सुनते हैं वो एक नॉर्मल साउंड है। लेकिन कभी उसके साउंड में अगर बदलाव दिखाई देता है, एबनॉर्मल साउंड अगर प्राप्त होता है, और वहां जाके अगर आप चेक करके उसको तुरंत अगर ठीक कर देते हैं, मान लीजिए कोई अलाइनमेंट गड़बड़ हो या कोई हीट हो रहा है उसकी वजह से वो साउंड आ रहा है, या आपका बेल्ट वगैरह कुछ ढीला है उसकी वजह से आपका साउंड आ रहा है, तो उसको अगर आप तुरंत एक्शन लेकर और थोड़े समय में उसको आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और उससे भी आपका बहुत सारे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है उससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह का जो मेंटेनेंस आता है ना, वो आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में आता है। जैसे मान लीजिए आपका साइकिल है, ठीक है, उसको अगर आप चला रहे हैं, आपका साइकिल है या मोटरसाइकिल है, आजकल तो साइकिल बहुत कम लोगों के पास है, मोटरसाइकिल ज्यादा लोगों के पास है, इसलिए मोटरसाइकिल से समझते हैं। अगर आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, उसको आप चलाते जा रहे हैं और बीच में खटपट का आवाज कर रहा है, यानी कि अगर आपका चैन लूज है, चैन में ऑयल नहीं है, और आप वैसे ही उसको दौड़ा रहे हैं, एकदम रौंदा रहे हैं, चल रहे हैं, और उस पर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको रास्ते में वो चैन टूट जाएगा, और वहां आपको गाड़ी को धक्का मार के चलना पड़ेगा, और वहां आपको बहुत भारी नुकसान होगा। तो दोस्तों ये क्या है कि आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बाद में वो जो मेंटेनेंस आएगा वो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस आएगा, और उसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को आप लोग समझ चुके होंगे कि ये एक अनुमानित यानी कि अनुमान लगाया जाने वाला मेंटेनेंस है, जो कि आपको ऑब्जर्व करके इसको फाइंड आउट करना पड़ता है और उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस किसे कहते हैं, मान लीजिए आपके इंडस्ट्री में कोई मशीन है और उसका यूज नहीं हो रहा है, उसको कहीं कोने में साइड में रख दिया गया। अब समझते हैं कि उसको क्यों साइड में रखा जाता है। दोस्तों किसी मशीन को साइड में इसलिए रखा जाता है, इसका दो कारण है। एक कारण ये है कि उसका पार्ट्स जो है आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और दूसरा कारण ये होता है कि उसमें बार बार कोई एक ही प्रॉब्लम जो है ना दोहरा रहा है, और उससे तंग आके आदमी क्या करता है कि उस मशीन को साइड में हटा देता है और दूसरा मशीन लगा के अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो दोस्तों उस मशीन को यानी कि जो साइड में रखा हुआ है उसको मेंटेनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उसका पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं कि दूसरे पार्ट से काम चला सके, और वो पार्ट जो हम लोग नया वहां पे यूज करें वो मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसे मेंटेनेंस को हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। या एक दूसरा ये होता है कि कोई प्रॉब्लम उसमें बार बार दोहराता है, तो उसको हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं और वहां कोई नया सिस्टम डेवलप करते हैं, कोई बाईपास सिस्टम डेवलप करते हैं, और उसको हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेंटेनेंस से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट की जानकारी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपका कुछ नॉलेज भी बढ़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।